कि उन्हें अच्छे बुरे का फर्क पता नहीं होता। बड़े नादान होते हैं वो। ये कहानी है 7 साल के लड़के की, जब वो बार बार पीछे मुड़कर देखे जा रहा था। पर क्यों? साल 2001 में जब मेरी बहन की शादी हुई थी और उसे गांव गए हुए कुछ महीने हुए थे, और अब जैसे कि हर गांव में मेला लगता है, तो उनके गांव में भी हर बार की तरह मेला लगा हुआ था। और उस दौरान कुल देवी या कुल देवताओं की पूजा की जाती है। गांव-गांव में जगराता का माहौल होता है, भजन कीर्तन गाए जाते हैं और भगवान की पूजा की जाती है। तब उस दिन भी आसपास के कुछ गांव के लोग भजन सुनने आए हुए थे। जिनके साथ ही हादसा हुआ था वो 4-5 लोग थे, और उनके साथ एक 7 साल का छोटा लड़का भी था। उन्हें उस गांव में भजन कीर्तन कर और वहां से निकलने में बहुत रात हो गई थी। ये गांव एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं थे। लोग यहाँ चलकर या साइकिल से आए जाए करते थे। वो लोग भी पैदल चलकर उस दिन अपने गांव जा रहे थे। गांव की ओर जाने वाला रास्ता उसी गांव की नदी से होकर गुजरता था। चांदनी रात थी तो रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। जब ये लोग बात करते करते जा रहे थे तो वो छोटा लड़का बार बार पीछे मुड़कर देखे जा रहा था, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस बात को नोटिस नहीं किया। और तभी उन्हें पीछे से घुंघरू की आवाज सुनाई दी। वो सब अपनी जगह पर ही रुक गए। अब वो 4-5 लोग थे तो उन्हें वो आवाज सुन के ज्यादा डर नहीं लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उनके पीछे रास्ते के किनारे एक औरत खड़ी थी। उन्होंने उस औरत से पूछा कि इतनी रात को तुम यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? तो उस औरत ने जवाब दिया कि उसे अपने गांव जाना है, पर उसे अकेले आगे जाने से डर लग रहा है। और तब उन लोगों को उस औरत के जवाब से कुछ शक नहीं हुआ। उन्हें लगा कि शायद ये महिला भी गांव के मेले में आई होगी और किसी वजह से रुक गई होगी और अब डर के मारे ये आगे नहीं जा पा रही। उन्होंने उस औरत को अपने साथ चलने को कहा, और वो भी उनके पीछे पीछे साथ साथ पैदल चलते हुए जाने लगे। वो 7 साल का लड़का अब भी उन लोगों के आगे आगे चल रहा था, और वो औरत उन सबके पीछे चल रही थी। लोग आपस में बात करते हुए जा रहे थे तो उनका और किसी का भी ध्यान इस बात पर ज्यादा नहीं था। वो छोटा सा लड़का अब भी बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। वो उस औरत को ही देख रहा था। कुछ देर बाद एक आदमी ने ये देखा और दिमाग में एक बात आई कि बच्चा बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है, और तब उसने बच्चे का हाथ पकड़ते हुए पूछा, अरे क्या हुआ तुझे, तू बार बार पीछे क्यों देख रहा है? और फिर उस बच्चे ने एक बार फिर से पीछे मुड़कर देखा और अचानक से वो उसी जगह पर रुक गया। उस बच्चे ने उस आदमी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, और तब उस औरत ने थोड़ा आगे बढ़ते हुए कहा, शायद चलकर थक गया होगा, लाओ मैं इसे उठा लेती हूँ। ऐसा कहते हुए उस औरत ने बच्चे को अपने हाथों में उठा लिया। वो बच्चा उस औरत के कंधे पर ऐसे पड़ा हुआ था जैसे वो सो रहा है। असल में वो सो रहा था या उस पर उस औरत का कुछ असर था, ये बात तो किसी के ध्यान में नहीं आई। लोग फिर से आपस में बात करते हुए चलने लगे। वो औरत उस बच्चे को लेकर पीछे पीछे जा रही थी। थोड़ा और दूर जाने के बाद उसी आदमी ने ये महसूस किया कि शायद उनके पीछे वो औरत अब चल नहीं रही, और उसने झट से पीछे मुड़ के देखा। पीछे देखा तो सारे के सारे लोग हैरान रह गए। उनके पीछे कोई नहीं था। वो औरत उस बच्चे के साथ अचानक ही कहीं गायब हो चुकी थी। वो सभी लोग बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे, और फिर उस बच्चे को जोर जोर से आवाज लगाने लगे। वहीं आसपास उसे ढूंढने लगे। समझ नहीं पा रहे थे कि वो औरत अचानक कहाँ गायब हो गई। तभी किसी ने बीच में कहा कि हम नदी के पास वाले रास्ते पर हैं, तो हमें नदी के पास जाकर देखना चाहिए, क्योंकि रात के वक्त नदी में डूबकर मरने वालों की आत्माएं पानी से बाहर आती हैं। उसकी ये बात सुनकर सारे के सारे नदी के पास चले गए। जब वो वहां पहुंचे तब वो बच्चा वही नदी के बाहर एक किनारे पर पड़ा हुआ था, और एक सफेद परछाई नदी के बीचों बीच उतर रही थी।
वो धीरे धीरे नदी के अंदर जा रही थी। उन्हें पता नहीं कि वो बच्चा कैसे बच गया। वो लोग जल्दी से उसे उठाकर वहां से निकल गए। जब उस बच्चे को होश आया तो उसने बताया, जब वो उनके साथ साथ चल रहा था तो उसने उस औरत को पानी से बाहर निकलते हुए देखा था और वो औरत उसे बार बार इशारा करते हुए अपने पास बुला रही थी। इसलिए वो लड़का बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। लोगों का मानना था कि साथी आसरा या सात अप्सराओं ने उस बच्चे की जान बचाई है और इसलिए वो आत्मा बच्चे को पानी के अंदर नहीं ले जा सकी। कुछ दिनों बाद उस आदमी ने जहां वो घटना हुई थी वहीं के गांव के लोगों से इस घटना के बारे में बात की तो उसे पता चला कि उस औरत की उस नदी में डूबकर मौत हो गई थी। एक दोपहर वो औरत नदी के पास कपड़े धोने चली गई थी। वहां गांव की कुछ और औरतें भी कपड़े धो रहे थे और उनका कहना था कि मरने वाली औरत एक पत्थर पर उसका पैर फिसला था और वो कपड़े धोते धोते गिर पड़ी और वो अचानक से पानी के अंदर चली गई, जैसे किसी ने उसे पानी के अंदर खींच लिया हो। तब उन्हें कोई ना कोई जानवर दिखा ना कोई अजीब सी चीज दिखाई दी, पर कुछ ही देर में नदी के बीचों बीच पानी का एक बवंडर सा बन गया था और उसके बाद वो औरत वहां से ऊपर नहीं आई। गांव के लोगों ने और पुलिस ने भी बहुत खोजबीन की पर उसकी लाश कहीं नहीं मिली। वो हमेशा के लिए उसी पानी में समा गई थी। कहानियां कैसी लगी बताना जरूर और कमेंट्स करके बताइएगा। क्या आपने साथी आसरा के बारे में पहले सुना था या ऐसी कोई प्रथा जो आप जानते हो, कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, अपना ख्याल रखना, कहीं किसी की बुरी नजर आप पर तो नहीं।